भैया प्लेग्राउंड 2 कब आएगा? भैया क्या आप प्लेग्राउंड पे आओगे वापस? What's up guys, welcome back to my new vlog। और ये वाला vlog बहुत ही ज्यादा अवेटेड था। अभी मैं जा रहा हूँ मुंबई प्लेग्राउंड 2 के ट्रायल्स के लिए। इस बार बहुत सारे न्यू कंटेस्टेंट्स आने वाले हैं, एक नई टीम आने वाली है, दो नए मेंटोर्स हैं। सारी बातें इधर ही सुन लोगे क्या? बाकी बातें रास्ते में करते हैं, चलो लेट बार एक और सरप्राइज है। अहमदाबाद से मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ ट्रायआउट्स के लिए, मेरे साथ है मेरा दोस्त मैकेनिकल पांडे। व्हाट्सअप। हम लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं एंड मैंने और मैकेनिकल पांडे ने सोचा कि बॉटल बाहर से लेते हैं तो सस्ती पड़ेगी, है ना? 20 में। और मैं बाहर से लेने गया, वो लोग बिस्लरी बेचते नहीं, वो कुछ बेच रहे 80 रुपए की पानी की बोतल। पहुंच गए भाई मुंबई, अभी आई है प्रोडक्शन टीम हमें लेने, तो थोड़ा आज सेलिब्रिटी वाला फील वापस आएगा। हमें लेने गाड़ी आई है गाइस, कॉन्टेंट थोड़ी छूटना चाहिए। होटल पहुंच चुके हैं और यहाँ पे काफी सारे न्यू क्रिएटर्स मिलने वाले हैं। ये एक हमारा बहुत ओजी क्रिएटर है, मेरे को स्पैम करते हो ना भैया ओमेगल कब करोगे, इसको सब्सक्राइब करो, ये बंदा एक्टिवली करेगा। अभी छोड़ ही दिया। मेरी ऑडियंस बताएगी मैं कितना एक्टिव हूं इस टाइम। भैया से हाय टू द व्लॉग। अभी 6 महीने बाद हम लोग मिल रहे हैं, जब हम प्लेग्राउंड के घर में गए, बहुत अच्छा लगा यार, हमें बहुत ध्यान रखा था इन्होंने, थैंक यू, इस बार भी मिलता है। तो हम लोग आ चुके हैं हमारी होटल में और नेक्स्ट 6 या 7 दिन हम लोग यहाँ रुकने वाले हैं प्लेग्राउंड के ट्रायल्स और ट्रायआउट्स के लिए। और अभी जो अटेंडेंट भैया थे जो हमें ऊपर तक छोड़ने आए, ये मुझे मेरे रूम तक छोड़ा उन्होंने एंड मुझे पूछा सर आप जय खत्री है? मैंने बोला यस ब्रो। तो उन्होंने बोला सर मैं आपको देखा था प्लेग्राउंड में एक फोटो। मैं बोला अंदर आ जाओ इधर लेता यार, एक्सपेक्ट नहीं किया था यार कि इतने सारे लोगों तक हम लोग पहुंचेंगे, बट दिस इज एन अमेजिंग फीलिंग। और ये फीलिंग को अब हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले विद दिस न्यू सीजन। नई जर्नी जरूर है लेकिन मेरे लिए मेरा इनकम्प्लीट मकसद पूरा करने की अपॉर्चुनिटी है। व्हाट्स अप गाइस, इट्स द सेकंड वीडियो। देखो अपने इंडिया के काफी बड़े नाम आए, सांगवान भाई आगे, यूफो है भाई, कैनारी भी था। कैनारी किधर गया? टोपी वाला है, कैनारी कहीं पे टोपी है सर। बहुत सारे लोग हैं, अभी काइंड ऑफ रिवीजन चल रहा है कि क्या आएगा जीडी में, बस वही बात कर रहे थे। तो बेसिकली पूछना है कि ये पहले आ चुका है ना शो में, तो आई वाज लाइक कि भाई थोड़ा बता दे ट्रीट भी थोड़े ताकि हम भी कुछ कर ले। अच्छा वरुण सर क्या सर, दिस मैन दिस इज द गाय हु मेड अस लाफ इन आवर चाइल्डहुड, मेरा बचपन दादा। देखो गाइस ऐसे सब कंटेस्टेंट्स बैठे हैं और यहां पे इस बार फॉरेन टैलेंट भी आया है। हेल्प मी गेट कुकीज व्हाइल आई वाज इंसान के नाते किसको भूख लग रहा है बोले है ना, तो इसलिए भूख हम लोग को पता है उसका बर्दाश्त के साथ, कहीं जगह पे अगर आते हो कहीं पे अगर कुछ अजनबी जगह है नहीं, I'm the season one contestant, now he's like I made a mistake। उल्टा हम लोग के नाच नजर आंगन तेरा हम लोग की। I will remember this, this will benefit you in the show। हाय फ्यूचर टोस्टी दिस साइड, अगर आप ये वीडियो मसाले के लिए देखने आए हो ना तो इस वीडियो में बहुत सारा एक्सक्लूसिव मसाला है, तो इसे एंड तक जरूर देख। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनना, दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड। इस बार प्लेग्राउंड की जो भी वोटिंग होने वाली है वो रंबल ऐप पे होने वाली है डिस्कॉर्ड के बदले, तो रंबल ऐप जो है वो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, बट ये ऐप सिर्फ प्ले स्टोर पे अवेलेबल है फॉर नाउ। तो अगर आपके मम्मी पापा या किसी के पास भी एंड्रॉइड फोन हो तो प्लीज उनके फोन से मुझे वोट जरूर करना, क्योंकि सीजन 1 से आप लोगों ने देखा है कि प्लेग्राउंड में किसी भी प्लेयर को जीतने के लिए वोटिंग कितना इंपॉर्टेंट है। तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं जाके अपना फुल थ्रॉटल परफॉर्मेंस देने वाला हूं, बस मुझे आप लोग से ये प्रॉमिस चाहिए कि आप लोग भी मुझे डेली वोट करेंगे, बस इतना ही कहना था। लेट्स कंटिन्यू गाइस, अभी हम लोग का हो रहा है यहाँ पे लंच। मैंने आपको ईलाई से नहीं मिलाया, आई विल मेक यू मीट हिम, ही इज लाइक माय बेस्ट बडी। कल रात से मैं उसके साथ चल रहा हूँ, लेकिन अभी यहाँ पे सारे लोग खाना वाना खाएंगे एंड डी ग्रुप दिया है मेरे को, डी ग्रुप का जीडी वीडियो होगा बट मेरे को नहीं जाना है, मैं बस पहुंच मार। गैरी हाय मैन, ही इज द मोस्ट हैंडसम गाय दैट वी हैव, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। ऐसे वायरल होते ऐसे वायरल होते हैं, मेरे को भी इसके साथ कर रहे हैं ब्रो, दैट इज सो फनी। Finally, the twerk is gonna happen.
I'm a musician, I mean normally a musician, I make beats, I sing the songs, I play the guitar. So the full package, we do what we need to do, you know, when the situation arises we handle it. I heard some of his music last night and I would say that gave me goosebumps. Like, put it on speakers and then this guy will drive you crazy. Wow. Thank you, man. I appreciate that's, it. That's wonderful. One friendship I really cherish out of this. That's awesome. अभी हमारा ट्रायल्स होने वाला है गेम्स का, यहाँ पे शूट चल रहा है. सब लोग को इधर पांच गेम्स खेलना है और वो सारे पांच गेम्स के बारे में आपको बाद में बताता हूँ. विश में ना फॉर द ट्रायल किल करिए गाइस. एस्फाल्ट खिला रहे हैं हमें ट्रायल में. शायद इन लोग को याद नहीं है कि एस्फाल्ट प्लेग्राउंड 1 में लीडरबोर्ड टॉपर था तुम्हारा भाई. बतूरा का अभी पर्सनल इंटरव्यू है, आफ्टर दैट वी आर ऑल डन. बतूरा कैसा रहा अभी तक का एक्सपीरियंस? अभी तक एक्चुअली गाइस कुछ भी बोलो काना इंसेंट था. टोटल भी तेरा एक किल में पूछो में सही है. मैं फर्स्ट में फर्स्ट आया, सेकंड में सेकंड, थर्ड में थर्ड. तो तू अच्छा खेला ठीक है. हाँ उसके बाद रॉकेट लीग में तो मैं गया हूँ गंदा सा. हार क्या? एक में जीरो गोल. हाँ एक में एक गोल, एक में तीन. उसके बाद आई कौन सी गेम? कौन सी पहली कौन सी? सेकंड सेकंड तीनों जीता होगा. तो जीता चल ठीक है, दैट्स अ गुड अटेम्प्ट ब्रो. अच्छा था रॉकेट लीग. रॉकेट लीग में एक में मैंने मारे, एक में मारे 8, दूसरे में मारे 16, उसके बाद मारे कुछ 8, 10, 11, कुछ तो पता नहीं. भाई मैंने पहली बार खेली है. कैसे? 30 गोल मारे भाई. 30 गोल टोटल? टोटल नहीं, तीन मैच में. अच्छा किसी में 8 थे, किसी में 2 में 8 थे. आई थिंक तूने मेरे जितना ही स्कोर किया है रॉकेट लीग में. सबसे पहले टेकन कितनी जीते? तीनों. चलो सेम. क्लैश रॉयल कितनी जीते? सेम. एक सेकेंड. कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल किल्स 26, 28, 21. अरे वो फर्स्ट टच वाले गोल्स लग जाते हैं. So if you hit the first shot on the goal, it's a complete goal on bots. भाई ये वो 26 छोड़, 76 मारे लाइन है. He fucking competes professionally for Rocket League. What's up guys, it's our day 2 of Playground Season 2 tryouts and मेरा जो GDPI था वो तो मुझे करना नहीं पड़ा क्योंकि मैं Season 1 में करके बैठा हूँ. बस कल मेरे गेमिंग ट्रायल्स हुए और मैं आज फ्री हूँ. सो होने वाला ये है कि आज जितने भी मुंबई वाले कंटेस्टेंट्स होंगे इंक्लूडिंग द प्रीवियस सीजन कंटेस्टेंट्स वंशाजादित वासु एंड सो ऑन, वो सारे लोग अभी नीचे आके ऑलरेडी बैठ चुके हैं एंड मैं जैसे अभी उठा हूँ, तैयार हुआ हूँ एंड बस आज मैं उनके साथ सिर्फ चिल करने वाला हूँ क्योंकि मेरा सारा काम खत्म हो गया है कल. अब जो भी मेन काम आएगा वो आएगा सीधा ट्रायआउट्स में और ट्रायआउट्स के बाद तुम्हारा भाई जा रहा है सीधे ऑक्शन. चलो चलते हैं. चल रहा है आज डे 2 वालों का ऑडिशंस, काइंड ऑफ GDPI, द सेम थिंग दैट वी वेंट थ्रू लास्ट टाइम. गाइस मेरे कुछ और दोस्त लोग आ चुके हैं यहाँ पे प्लेग्राउंड में. हेलो मलिका एंड अभिनव, प्रीटी श्योर तुम दोनों को जानते हो. उस दिन मेरे साथ जो लॉबी में हैक कर रहा था वासु पसोड़ी, जय पथरी, वो भी क्या बता रहा था तू? अनबैनेबल अकाउंट, GTFI हैक्स. मैंने कुछ नहीं बताया, ये मुझे फालतू मुझे. अच्छा बाय द वे जस्ट सो दैट यू नो, हमारे पास इनका ईमेल है, हम बता सकते हैं तू हैक वैक करता है. लेकिन द पॉइंट इज मैं हैक नहीं करता. क्या बता रहा था ये तू? तुझे स्किट्स इमेजिन करता है जय. बहुत सारे लोगों से मुझे आप लोग को मिलाना था लेकिन हर जगह पे कैमरा लेके घुसना या रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं है. तो मीट हिमानी. हाय हिमानी, क्या करते हो आप? मैं वीडियोस बनाती हूं और बच्चों को पढ़ाती हूं. बच्चों को पढ़ाती हूं. वीडियोस कौन सा? टीचर, प्राइमरी टीचर.
प्राइमरी टीचर, ये कब हुआ ये मेरे को नहीं पता, तुम्हें नहीं पता था? भाई मैं दो दिन से इसके साथ हूँ, ठीक है, और मेरे को पता ही नहीं है कि ये प्राइमरी टीचर है। तो तेरा कंटेंट मेनली क्या है? रिलेटेबल वीडियोस एंड फनी वीडियोस। सही है, फनी तो है ये, सुंदर भी दिखती है काफ़ी। और मैंने पता इसका नाम कैसे सेव कर रखा है, मैंने लिखा है हिमानी डेफिनेटली इन प्लेग्राउंड, उसने पता है कैसे सेव किया है? सेफ प्लेस बोल दिया मेरे को, क्योंकि ना मुझे यहाँ पे मैं किसी को भी नहीं जानती थी, सिर्फ यही था जब भी हम नीचे बैठे हुए थे तो आसपास कुछ भी हो रहा था तो मेरे को ये था कि जय है, तो जय के पास जय थी, पूछ रही थी कैसे होगा क्या करना है, तो ही वॉज वेरी हेल्पफुल और बहुत सपोर्टिव और बहुत स्वीट है। जय तो अभी हम लोग ने चेकआउट किया है फ्रॉम आर फर्स्ट होटल एंड जो लोग भी डे वन पे थे सिलेक्टेड थे वो सारे इस बस में, एंड हम लोग जा रहे हैं अभी फॉर द न्यू होटल। नाम नहीं बताया, साकीनाका है बस इतना पता है। सांगवान भाई बैठे यहाँ पे, मेरे को लगा आपके लिए आएगा प्राइवेट जेट कुछ। हाँ ऑफकोर्स अंबानी का बेटा हूँ मैं, नहीं तो विराट कोहली हूँ। ट्रैवल ने दिया होगा ना आपको। कौन कौन लोग बैठे? गैरी भाई है। व्हाट्स अप मैन, वेरी गुड। गैरी, आई जस्ट केम टू नो अबाउट इट टुडे कि आप स्पेशल ना बैठे। या ब्रो, आई वाज इन दिस फॉर 30, इट वाज गुड मैन। कॉल पे बोला इस बस को बैच वहां छोड़ो फ्लाइट। ओए मैंने मेरे को लगा मेरी मेरी ले रहा है। ओए सरकास्टर, तू 30 मिनट्स लिया अंदर? हां भाई। क्या पूछा ऐसा? तो पूछा कुछ नहीं भाई, पहले उन्होंने थोड़ी ली इसका स्लेव बन जा, 5 मिनट पानी वानी भरा पिगी बैग के साथ, बहुत सारी चीजें। नंबर एग्जिस्ट करता है, नंबर तो होगा क्या भाई? हेलो बीबी बोल रहे हैं, हेलो बीबी उठा ही नहीं रहा यार, फिर से लगाना। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? मेरी बात रात से हो रही है बीबी, आप कहाँ हो? नहीं पता कहाँ पे हो आप, हो कहाँ पे? खाना बन गया घर पे। चुप है, चुप है, चुप है तुम। आप बेबी मैं प्रेग्नेंट हूँ, आपको क्या आपको मेरी क्या करते हो आप मेरे साथ, या मैं कहाँ जाऊँ आप? भाई सही है, कोई मजा ले रहा है, कौन है नंबर बोला मैंने, भाई 6 का भी कमाल है। डोमेस्टिक अब्यूसर सांगवान, क्या आपका पति भी आपको पीटता है? क्या क्या आप भी अपने पति की पीने के बाद मार से हो परेशान? कॉन्टैक्ट रियल सांगवान, पति से हो गए बोर तो पीटेगा सांगवान। अरे आज होने वाला है प्रॉपर शो के लिए शूट की भैया हमारे सिग्नेचर पोजेस क्या है, ट्रैम्पोलिन वम्पोलिन मंगाया, उछल कूद के कुछ करना है। दोस्तों लाइफ ऑफ बीइंग अ क्रिएटर फुल ट्रिप में आओ, लेकिन ऐसा बैकपैक तो पीछे ही रहता है, कैमरा वैमरा सब, क्योंकि तुम लोग को जानना होता है ना कैसे होता है शूट, क्या होता है सिलेक्शन प्रोसेस में, सब दिखाऊंगा मैं। तो अपने सेट सिर्फ फिल्मों में या वीडियोस में देखे होंगे, ठीक है, इस बार हम आपको रियल में दिखा रहे हैं। तो वो ग्रीन स्क्रीन है जहाँ पे हमारा सारा शूट होगा, जो लास्ट टाइम में जैसा हम लोग ऐसा उड़ के ऐसा ये सब चीज़ें किया था, इस बार तो कुछ प्रॉप वॉप है, कन्फेटी फटने वाली, मज़ा आएगा। और ये डायरेक्टर्स मॉनिटर है यहाँ पे, वो देख के बताते कि भाई अच्छे लग रहे हो या नहीं।
बाकी सारी चीज़ें तो भाई जब हमारा चालू होगा तभी पता चलेगा, बट काफ़ी बड़ा स्टूडियो है यार ये देखो। और यहाँ पे दूसरा ट्रैम्पोलिन सेट है, इस पर ना हमें कूद कूद के कुछ तो एक्टिविटी करने का है, लाइक कुछ प्रॉप लेने का है, ये सब तो मज़ा आने वाला है। ये है हमारा ग्रीन रूम, जो पता नहीं कुछ और ही कलर है, बट ग्रीन रूम ग्रीन नहीं होता। अभी हम लोग बैठे हैं, यस। सो अभी मैं हूँ सांगवान भाई पिंगू और अनिरुद्ध भाई है, हम लोग का अभी होने वाला है फर्स्ट बैच ऑफ शूट। सांगवान भाई आपको तो आदत है, कैसे होता है सेट लाइक? मतलब मेरे को तो नहीं, बट इन लोग का पता है, ये लोग जब इंटरनेशनल खेलने जाते हैं ना, क्रेजी फिल्म लेवल का सेटअप, इनके होटल देखो तुम खाली, पर बायो बबल में रहना पड़ता है। कभी हमें बोला गया भाई इधर तुम बैठो, इधर तुम्हारा स्टाइलिंग वाइलिंग सब होगा, मेकअप होगा। यहाँ पे हमें बोला गया राजू दादा है आपका ख्याल रखने के लिए, कुछ भी चाहिए, चाय चाहिए, स्टारबक्स चाहिए, पिज्जा चाहिए, सब मिलेगा, रशियन सैंडविच शक्ति वाली। ऑब्वियसली ऐसा ट्रैम्पोलिन शूट भी होने वाला है हमारा, तो सांगवान भाई जंपिंग जपाक कर रहे हैं, मनस्वी जंप करने वाली है तू नेक्स्ट। मेरे वजन से वो टूट जाएगा। नहीं टूटेगा रे, क्या करेगी पोज, सोचा कुछ? गाइस ट्रैम्पोलिन वाला जस्ट शॉट लिया मैंने, और भाई ये करने के बाद ना पूरे पाँव दर्द करता है, मज़े लगते हैं देखने में बट पैर को पता है। आज है मोस्ट इंपॉर्टेंट डे, दैट इज़ द डे ऑफ ट्रायआउट्स, मेंटर्स के साथ आज जाके हमारा फाइनल पिच होगा। एज रिटेन कंटेस्टेंट्स हमें पता नहीं है कि हम लोग ऑक्शन में अपियर होंगे या नहीं, बट इतना ज़रूर पता है ट्रायआउट्स तक ज़रूर हमने स्कोर किया है, तो ट्रायआउट ये मेरे लिए और बाकी रिटेन प्लेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जैसे आप देख रहे हो पीछे अभी हम लोग फूड एरिया में सब लोग अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, और अभी बज रहे हैं सुबह के 8 बजे, हम लोग सुबह सुबह आ चुके हैं, एंड आज तो आई थिंक रात के 1-2 बजने वाले हैं। लग रहा है मेरे को थोड़ा सा फीवरिश कल से, आई होप यहाँ पे फेंट वेंट ना हो जाऊँगा, बाकी तो सब सही है। दिस इज आवर होल्डिंग एरिया। ये हमारे कास्टिंग हेड पराग सर, शामिक, व्हाट्सअप शामिक, एंड देन यहाँ पे बस कैमरा क्रू, और ये सब है। दीज आर ऑल द टैलेंट्स दैट आर गोइंग फॉर डे 1। हाय योली, शी इज माय फेवरेट। We got Vincent, Eli, Unnati, Keshav, Joy. What's up? Hi, bro. Hi. Hi to the vlog. Joy, do you mind introducing yourself? Yeah, let's do it. Joe from the UK, 21. What do you do? Huh? Comedy videos. What? You make comedy videos? Yeah, like comedy videos. That's why I'm born to speak. Yeah, we're boys. We got Mr. Android Hello. Gamer. Darling. Yes, sir. पीछे मनस्वी है, आशु भाई है, देन वी गॉट पार्थ, मोनू भाई, आशु भाई, हेलो हेलो, और ये तो अपना घर का दोस्त मिस्टर बतूरा, ये मेरा नेम ट्विन है, इसका भी मेकअप हो रहा है, अज्यूमिंग ये पहले जाएगा। हेलो मैम, मेरे को पहले नहीं जाना है भाई, तो पहले जाके ऐसी तैसी मेकअप वेकअप हो रहा है तेरा, पहले मूड अच्छा रहता है, फिर उनको सवाल बाद में सूझते हैं कि क्या लेके मस्ती करनी है कंटेस्ट, पहले जो जाता है उसके लिए बेटर है। हाँ तो बेटर ही है, और उल्टा तेरे को वेट नहीं करना पड़ेगा। तो बस इतना है अभी होल्डिंग एरिया में, जब ट्रायआउट्स में जाएंगे मैं कैमरा तो लेके नहीं जा सकूंगा, लेकिन आप लोग वो स्ट्रीम देख ही रहे होंगे, इफ नॉट अमेजॉन मिनी टीवी, यार मिनी टीवी पे देख लेना, है ना। चलो मैं जाता हूँ खुद को प्रिपेयर करने के लिए, ऑल द बेस्ट बोल दो कमेंट सेक्शन, एंड येस दिस इज अ रिमाइंडर, अगर आप यहाँ तक देख रहे हो मतलब पूरा प्रोसेस आप लोगों ने देख लिया, और ये है द फाइनल मोमेंट ट्रायआउट जिसमें मेंटर हमें अप्रूव करेंगे, तो सब्सक्राइब करो यार, हम लोग बेस्ट है, वी आर द बेस्ट इन इंडिया टू अपीयर फॉर सीजन 2। बहुत सारे लोग आए थे एंड ओनली वी क्वालिफाइड, सो हाँ घमंड नहीं इस बात का, बट काफ़ी प्राउड फीलिंग है इन अ पॉजिटिव वे कि भैया यहाँ, ओ एक सेकेंड गाइस, PS कनेक्ट हो रखा है यहाँ पे, LG OLED मॉनिटर्स, लेट्स गो। मोमेंट ऑफ ट्रूथ वाज क्रेजी, मैं गया अंदर। तो स्ट्रीमिंग में मेरा एक कैरेक्टर है रमेश भाई डाबी, तो वो एक प्रॉपर जो जैसे गुजराती स्टीरियोटिपिकल दिखाते हैं ना, तो आपके कपड़े देख के तो एकदम मोटी पार्टी लगते हो। ये बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा, माफ करो, दो कान और तीसरा मेरा पैर जोड़ रहा हूँ आपको, ये बॉडी शेमिंग नहीं है, मोटी पार्टी मतलब क्या, गुजरात में जिसका तेल का धंधा हो, लैंड लोड हो, वो लोग को मोटी पार्टी बोलते है। अनिश्चय भाई आप कैसे हो यार, आपके गाल छूने का मन करता है पर
क्या करूं, मैंने मेरे गाल छू लिया ना तो तेल ज्यादा है। अरे बढ़िया यार, बढ़िया है जेठालाल, तरफ से आया मेरे। ये इस मतलब मैं गेमिंग भूल गया, मेरे को ये वाला ज्यादा मजा आ रहा है सर। मैं अरे भाई सबने से नहीं, हो गया हो गया सर। इनफैक्ट मैंने फर्स्ट जो मिमिक किया था वो कैरी मिनाटी को देख के किया था, तो उनका एक कैरेक्टर है ना ताऊ। अरे ये बेटा कैसी बातें कर रहे हो, ये तो बेटे हमारा बचपन का काम है। मैं जब छोटा था मेरी आवाज 15 साल में 25 साल वाली थी। मैं जाता था सनी देओल की आवाज निकाल के CS:GO में डेथ मैच खेलता था। बेटे जो तुमने की बढ़िया बात की है ना, मजा आ गया है हमें सुन के। तुम्हारे लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी चुम्मियां बेटे, क्या आवाज। थैंक यू सो मच सर, वेरी नाइस। निश्चय भाई बड़ा बड़ा प्यारा लड़का है। थैंक यू सो मच। इस बार देखते भाई शो में जाएंगे, मचाएंगे। इस बार जय खत्री ने, इस बार टोस्टी मिलेगा तुम लोग को, इस बार टोस्टी मिलेगा। बेस्ट फीलिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। आई एम गोना गो टू द होटल एंड कल सुबह में मेरी होगी फ्लाइट, जा रहे हैं अहमदाबाद। इंस्टाग्राम तो तुम्हें पता है, toaster_roaster7 फॉलो दबा दो। एंड यस, आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वन एंड होपफुली वेरी सून इन प्लेग्राउंड।